सन न्यूज। आपसी मारपीट में युवक गंभीर रूप से घायल, छपरा रेफर। मसरक थाना क्षेत्र के बंगरा पंचायत के बंगरा पश्चिम टोला गांव में गुरुवार को सुबह दो पड़ोसियों के बीच जबरदस्त मारपीट होने की सूचना प्राप्त है। इस घटना के बारे में फिलहाल यही बताया जाता है कि शंभुनाथ तिवारी के 33 वर्षीय पुत्र राजन तिवारी अपने घर से छपरा जा रहे थे कि अचानक उपेंद्र तिवारी, विकेश तिवारी, राकेश तिवारी, तारकेश्वर तिवारी ने उन पर हमला बोलकर फरसा लाठी डंडे से प्रहार कर गंभीर रूप से घायल कर दिए। दूसरे पक्ष का बयान अभी तक नहीं मिल पाया है। फिलहाल घायल अवस्था में राजन तिवारी को मौके पर पहुंचे बंगरा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि चंद्र शेखर सिंह, उप मुखिया शिव कुमार यादव तथा अन्य लोगों के सहयोग से अपने गाड़ी पर लाद कर सामुदायिक केंद्र मसरक में भर्ती कराया गया, जहां ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक डॉक्टर राजेश कुमार ने घायल का प्राथमिक उपचार कर सर पर लगे गहरे जख्म के वजह से स्थिति को गंभीर देखते हुए छपरा सदर अस्पताल रेफर कर दिया। इलाज के दौरान मौके पर थाना पुलिस जमादार ओम प्रकाश यादव तथा अन्य पुलिस कर्मियों ने जांच पड़ताल किया। इस मामले में घायल ने बताया कि थाना पुलिस को आवेदन दिया गया है, पुलिस दूसरे पक्ष की भी जांच पड़ताल कर रही है। घायल को छपरा भेजवाने में मुखिया प्रतिनिधि चंद्रशेखर सिंह व उप मुखिया शिव कुमार यादव ने मदद किया। मसरक से धर्मेंद्र सिंह की रिपोर्ट। क्या मामला है? मामला है कि हम अपने गंगावाजी से छपरा के लिए निकल रहे थे, तब उपेंद्र तिवारी, राकेश तिवारी, तारकेश्वर तिवारी और विकेश कुमार तिवारी अचानक हमारे ऊपर हमला कर दिए। और लाठी डंडा से हम अकेले थे और हमको चारों आदमी मिल करके बहुत मारा। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम राजन तिवारी है, पिताजी का नाम शंभुनाथ तिवारी है, बांग्ला पहुंचे।